किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? संगीन गद्दारी पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत, मगर मामूली जुराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल की सदा। तमाम एडवोकेट जनरल्स की भी अटॉर्नी जनरल की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत। नवाज शरीफ की ताहियात नाहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन लड़ने के लिए जाहिलियत बयान की गई है, अगर उस जमाने में कायदे आजम भी होते तो वो भी नाहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज, कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ और कोई ये कहे कि अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। ताहियात नाहली केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, हर इदारे को अपनी हदूद में रहना होगा। हर जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। चीफ जस्टिस काजी फायजा के सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समात में रिमार्क्स। हम समझते हैं कि मिसिंग पर्सन अहम मसला है, हमने सारे टेक्निकल एतराजात को नज़रअंदाज कर दिया, हम आगे बढ़ चुके, आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियमान को कानून साजी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा। अब तक 2200 से जायद लोग मिसिंग पर्सन हैं जिनका कुछ पता नहीं, वकील के दलाइल। जबरी गुमशुदगी से मुतालिक कमीशन तो बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। कौन सा कमीशन बना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील, पीटीआई ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया, क्या ये सब लोग खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सके? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फॉरम नहीं। जो शख्स धरना केस में नजरसानी ला सकता है क्या अपना केस नहीं लगा सकता? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। किसी सूरत इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत सिर्फ पीटीआई की होगी। लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंतखाबात तखीर का शिकार हों। एक पार्टी को अगर इलेक्शन से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिरेल और पार्लियामेंट कमजोर होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। लगता है कि कुछ लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। कोहाट में आरओ की मौतली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आप अपनी मर्जी का आरओ चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि ना ऐसी दरख्वास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद करें? चीफ जस्टिस के कोहाट के हल्का PK91 में रिटर्निंग अफसरान की मौतली के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने PK91 कोहाट का नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया, 9 जनवरी तक मौतली का फैसला वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है, अपने फैसले करने का इख्तियार है। वकील, इलेक्शन कमीशन के दलाइल। इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते, 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। केस में असल दरख्वास्त गुजार कहाँ है? जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स।